तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार ओ मेरे यार। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मायसेल्फ शिवांशु अत्रे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम एनटीएससी के कारवा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनटीएससी में एक क्वेश्चन जरूर आता है। बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आए गए हैं, पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे एक बहुत बढ़िया Redmi Note 6 Pro का गिव अवे चल रहा है, लिंक कॉर्नर में आ रहा है। और जी हां, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपके ऐसे सर एक अनअकैडमी प्लस एजुकेटर है, तो आप अनअकैडमी पर जुड़ जाइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा SA क्लासेस, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मुझसे लाइव एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री टू है ना, डिग्री टू होती है, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन होता है। तो ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री टू होती है और इक्वल टू का साइन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जनरली लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, हम ये जनरली इसमें लिख देते हैं। यहां आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आएगा वो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा। x एक फाइंड किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वो आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक जनरल छोटी सा बता देता हूं। होता क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स बन जाता है, वो होता है आपका फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा होता है आपका फॉर्मूला मेथड, जहां एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, d आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। अगर बात करी जाए तो नेचर ऑफ रूट से ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, पूरा का पूरा नेचर यहीं से बन जाता है। नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स की, क्योंकि जो x की वैल्यू होती है इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है उनको हम कहते हैं रूट। इसके होते हैं दो रूट, अल्फा और बीटा। जनरली बात करी जाती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। b क्या है कोफिशियंट ऑफ x, c क्या है कॉन्स्टेंट, a क्या है कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये जरूर ध्यान रखिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d का वैल्यू जीरो हो जाता है तो रूट्स होते हैं आपके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और तीसरा होता है डी लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट, है ना, इमेजिनरी लिखने की जरूरत नहीं है, नो रियल रूट्स आप लिख दीजिए। कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि द इक्वेशन हैज रियल रूट, तो रियल रूट में आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है, याद रखिए। जनरली बच्चा क्या करता है, सॉल्व तो कर लेता है ठीक है, पर वो यहां भूल जाता है कि इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि यहां भी रूट्स रियल होते हैं। ये आपको छोटा सा याद रखना है, बस इतना सा अगर आपको पता है तो पूरा क्वाड्रेटिक पता है। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और इतनी प्यारी प्यारी अप्रोच से कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा कि हाँ यार काश पहले पढ़े होते तो हमारा मजा ही कुछ और होता, पर चिंता की बात नहीं है, एग्जाम अभी पूरा हुआ नहीं है। एग्जाम में क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आएगा 101% श्योर शॉट, मेरा यकीन है आप बहुत जल्दी करेंगे और वो भी 100% एफर्ट के साथ और बिल्कुल सही। देखिए अगर लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक चीज ध्यान रखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको कि जहां ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा हो तो आप डायरेक्ट लिख देना वन रूट इज वन एंड अदर इज सी बाई ए। जैसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लो आप, आ गया मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू जीरो, तीनों का सम जीरो आ रहा है तो सॉल्व कर लेना, एक रूट वन आएगा एक रूट फाइव आएगा ठीक है। दूसरा, अगर रूट रेसिप्रोकल होते हैं, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर,
ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख देना, अगर रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट वन होगा, प्रोडक्ट वन होगा तो हम कह सकते हैं ए का वैल्यू सी के बराबर होगा। ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये दोनों ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा किस तरह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखिएगा आप जरूर कि उनको आपके एसेसर कितना इजी तरीके से कराते हैं। तो चलो ये उतारो, फिर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। हाँ जी, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 and alpha plus k beta plus k are the roots of px square plus qx plus r equal to 0, then b square minus 4ac upon q square minus 4pr equals to what? ये बिहार में पूछा गया है। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसकी एक इजी सी ट्रिक बताता हूं। देखिए जनरल है, आप अल्फा को 1 ले लो और बीटा को 2 ले लो, ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इनमें k ऐड हो रहा है तो आप k को भी 1 ले लो, k इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस k हो जाएगा आपका 2 और बीटा प्लस k हो जाएगा आपका 3। 2 और 3 से जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आ गई भाई। अब देखिए यहां पर मैंने क्या अल्फा को 1 लिया है, k को 1 लिया है, इसलिए मुझे कोफिशियंट्स 1 मिल गए। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं वो, पर हमें सिंपल लेके चल रहे हैं। तो अगर यहां से कंपेयर कराता हूं तो a का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू मिल गया माइनस 3 और c का वैल्यू मिल गया 2। उसी तरह p का वैल्यू मिल गया 1, q का वैल्यू मिल गया माइनस का 5 और r का वैल्यू मिल गया आपको 6। अब आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है 9 माइनस का 8 और q स्क्वायर माइनस 4pr कितना आ रहा है 25 माइनस का 24, यानी कि 1/1, यानी कि 1। अब 1 वाला कौन सा ऑप्शन है देख लो, 1 वाला ऑप्शन है b, तो b इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, टाइम हम हमेशा बचाने की बात करेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर ए भी बनाया है पी भी बनाया है तो इनके स्क्वायर्स को आप डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो बेटा दोनों में आ रहा है देखो, ए में और सी में, तो ये नहीं लेंगे, ये विवाद वाला हो जाएगा। क्योंकि ये विवाद वाला क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है अगर यहां पर मैंने 1 और 2 लिया, इनकी जगह कुछ और लेता या फ्रैक्शन में रूट्स होते तो इनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती थी, पर ये बेसिक है, ये हर उसमें काम करेगा। तो 1 आ गया और 1 यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट भी मिल रहा है, तो ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है दिल्ली में, इफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1 हैज रूट्स व्हिच आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, जैसे एक 3 है तो दूसरा माइनस 3, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, तो यहां से इनडायरेक्टली उसने दे दिया कि सम ऑफ द रूट इज 0। तो पहले आप इसका क्वाड्रेटिक बना लीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगा इसका एम प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और ये बन जाएगा आपका बी एम प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, और ये बन जाएगा आपका ए एम माइनस का ए माइनस सी एम माइनस 1। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एम प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन ही रखिए बी एम प्लस बी, और ये इधर लाएंगे तो माइनस का ए एम माइनस, और ये प्लस का ए क्योंकि इधर आ गया ना दूसरी तरफ, तो आप इधर आके ये प्लस बनेगा, पर बाहर माइनस कॉमन ले रखा है, अच्छा ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा प्लस और ये माइनस, है ना, क्योंकि माइनस ही ले रखा है, और ये प्लस का सी एम माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया भाई। तो यहां पर सम कितना हो जाएगा 0, सम 0, सम कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना आ गया ये, तो ये बन गया आपका बी एम प्लस बी प्लस ए एम माइनस ए अपॉन एम प्लस 1 इक्वल टू 0। बढ़िया तरीके से आ गया, तो ये तो खत्म हो गया। तो यहां से आप m कॉमन ले लो तो ये बन गया a प्लस बी, और यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। देखो कहीं आ रहा है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर a ही आपका हो गया, है ना, देखो कितना सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहां पर लिखा है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये महाराष्ट्र में पूछा गया क्वेश्चन है, यह है आपका 3 प्लस रूट 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर रेशनल इरेशनल रूट्स होते हैं ना, रूट वाले आते हैं,
अगर रूट्स में रूट वाला आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए होता है, तो ये कंजुगेट होते हैं एक दूसरे के, हमेशा ध्यान रखना अगर इरेशनल में आ रहा है तो। ये अगर अल्फा का वैल्यू 3 प्लस रूट टू है तो बीटा आपका 3 माइनस रूट टू हो जाएगा। तो एक बार सम निकाल लो, सम कितना हो गया इनका 3 प्लस 3 6, प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो इक्वेशन कितना क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 है क्या कहीं, ये रही ऑप्शन नंबर डी। तो कितना टाइम सेव हो गया और कितनी जल्दी अपन ने कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर लिए, तो चलो इनको उतारो फिर थोड़े और देखेंगे। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, यानी कि यहां दे रखा है अल्फा रेशियो बीटा का वैल्यू हो गया पी रेशियो क्यू, तो आप अल्फा को पी के और बीटा को क्यू के मान सकते हैं, और यहां पर के क्या होगा, के इज रेशियो कांस्टेंट, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको इतना लेंदी लेके करें। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपकी एक ट्रिक सिखा देता हूं। देखो यहां लिखा है एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप एक जनरल सा बना लीजिए, बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अल्फा का वैल्यू माइनस 2, बीटा का वैल्यू माइनस 2 मुझे मिल गया, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर मैं रेशियो करूंगा तो अल्फा रेशियो बीटा हो जाएगा 1:1, तो यानी कि P और Q का वैल्यू 1:1 हो गया। मैं कह सकता हूं L का वैल्यू, यहां देख लो L का वैल्यू 1 आ गया, N का वैल्यू 4 आ गया, उसके बाद P और Q का वैल्यू 1:1 आ गया, ठीक है, सिंपल हो गया। अब आप इसमें रख के देख लीजिए, फर्स्ट वाले में ही रख लेते हैं पहले, P बाय क्यू यानी कि 1:1 है ना, मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूं, तो 1 हो गया, Q बाय पी 1:1, उसका स्क्वायर रूट भी 1 हो गया, N बाय L, तो यहां पर देखो n बाई एल यानी कि 4:1 है ना, तो 4:1 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो माइनस का 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, आंसर आ गया। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा डायरेक्ट कीजिए, आंसर 101% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इफ द रूट्स ऑफ, ये पूछा गया ओडिशा में है ना, ओडिशा का पेपर थोड़ा अच्छा आता है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल के लिए बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा 1, यानी कि a इज इक्वल टू c हो जाएगा, a है यहां पर 2, c है यहां पर b, तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ b इज डायरेक्ट आ गया 2 हो गया, ठीक है। ये राजस्थान में पूछा गया था, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप ये मेरा छोटा सा वीडियो और ये अच्छी अच्छी ट्रिक आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स पसंद आई है तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की होती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद वंदे मातरम।